तहसील मजोली के योगमाया वेयर हाउस में मैपिंग न होने के कारण किसानों में फूटा गुस्सा। शासन द्वारा खरीदी जा रही धान को किसानों ने अपनी धान 50,000 कुंटल से ज्यादा वेयर हाउस में लाकर व्यवस्थित रख तो दी। भोपाल से लेकर जबलपुर तक के अधिकारी आज नहीं कल हो जाएगी ऐसा कहकर देख कर चले गए, लेकिन तहसील हो, SDM हो या चाहे कलेक्टर, इन सभी अधिकारियों को पता होने के बाद भी किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि यदि हमारी धान को शासन मैपिंग या धान को फीड नहीं कराती तो सभी किसान कलेक्टर का घेराव करेंगे और कुछ किसान तो फांसी लगाने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार शासन होगी। हम सभी किसान यहाँ पर एकत्रित हुए ये योगमाया वेयर हाउस भटरंगी में, जहाँ पर हम सभी किसानों की धान रखी हुई है वर्तमान में, और मौसम बहुत ख़राब है। करीब 20 से 25 दिन हो गए यहाँ पर धान रखे हुए। प्रशासन शासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। सब आके आश्वासन दे के चले जाते हैं कि बस आज नहीं कल चालू हो जाएगा, लेकिन चालू आज तक नहीं हुआ। अब आज मौसम ख़राब है, अब हम लोग क्या करें? तिरपाल ला के हम लोग खुद ढाँक रहे हैं, जिसमें माल हम लोगों का बचा रहे। और हम लोगों का यही अनुरोध है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करवाए। क्या आप लोगों ने स्लॉट बुक करके अपना माल यहाँ डंप किया हुआ है? नहीं, स्लॉट बुक करके डंप नहीं किया हुआ है। पहले हम लोगों को जानकारी ये लगी हुई थी कि कोई समूह के द्वारा इसमें खरीदी चालू होना है, शासन से बारदाना आने की भी व्यवस्था बन रही थी, खरीदी मिल भी गया था। खरीदी कौन किया है यहाँ की? खरीदी यहाँ पर कोई महिला समूह करके है, और उनके जो प्रतिनिधि है महिला समूह में वो नितिश पटेल हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि काम चालू हो जाएगा खरीदी का। यहाँ पर किसान खुद ला के माल पलटा था या उन्होंने बुलाया था आपको? नहीं नहीं, किसान ने जैसे देखा कि यहाँ पर माल डंपिंग शुरू हो गई है, एक दूसरे को देख के सभी लोगों ने माल डंपिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ एक दो दिन में मैपिंग हो जाएगी। अभी तक मैपिंग का कुछ हुआ नहीं? मैपिंग का कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यही हो रहा है कि अधिकारियों का या तो सस्पेंड किया जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है, बाकी किसानों की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाम दिनेश पटेल मेरा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।